हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम जुरोपथैल्मिया क्या होता है इस के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दी जुरोपथैल्मिया। सो दोस्तों, अगर आपने अभी तक ऑप्टोमेट्री फैंस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब करवा दीजिए। चलिए दोस्तों, जुरोपथैल्मिया क्या होता है। सो जुरोपथैल्मिया इज अ कंडीशन कॉज बाय विटामिन ए डिफिशियंसी। विटामिन ए डिफिशियंसी होने की वजह से जो डिजीज होता है उसे हम जुरोपथैल्मिया होता है। सो दोस्तों, आपको याद रखना जुरोपथैल्मिया क्यों होता है। सो विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से। एंड इट्स क्लासिफिकेशन बाय WHO ऑर्गेनाइजेशन इनटू सेवरल स्टेजेस इंक्लूडिंग। जुरोपथैल्मिया की कुछ स्टेजेस है वो WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में उसको सेवरल स्टेजेस में इंक्लूड किया है। सो कौन कौन से स्टेजेस है वो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। सो दोस्तों, आपको सबसे पहले तो जुरोपथैल्मिया क्या है। सो विटामिन ए डिफिशियंसी की वजह से जुरोपथैल्मिया होता है। सो जुरोपथैल्मिया के अलग अलग से स्टेज होते हैं। सो पहली जो स्टेज है दोस्तों, उसे हम XN कहेंगे। XN यानी नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। पहली जो स्टेज है XN, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। जो नाइट ब्लाइंडनेस है दोस्तों, तो अर्लीस्ट स्टेज होता है ये, कैरेक्टराइज बाय डिफिकल्टी सीइंग इन लो लाइट इन्वायरमेंट। जो नाइट ब्लाइंडनेस होता है वो डिफिकल्टीज इन सीइंग, नाइट ब्लाइंडनेस और लो लाइट और नाइट में कम दिखता है, लो लाइट में कम दिखता है, उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। ये जो होता है वो अर्ली स्टेज होता है, ठीक है, जिसको नाइट में इवनिंग में या नाइट में कम दिखता है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहेंगे। ये जो है अर्ली स्टेज होता है। दूसरा जो स्टेज है दोस्तों, X1A, जिसे हम कंजंक्टाइवल इंप्रेशन कहेंगे। कंजंक्टाइवल इंप्रेशन में स्टेजेस वेयर द कंजंक्टाइवा बिकम ड्राई एंड थिकन। इस स्टेजेस में कंजंक्टाइवा ड्राई होता है, उसको हम X1A कहेंगे। X1A कंजंक्टाइवल इंप्रेशंस, या फिर कंजंक्टाइवल जीरोसिस भी कहते हैं। वहां पे कंजंक्टाइवा बिकम ड्राई होता है दोस्तों, ठीक है। X1B क्या होता है। सो X1B में बाइटॉट स्पॉट होते हैं कंजंक्टाइवा के ऊपर। और स्टेजेस वेयर फोमी पैचेस अपीयरेंस ऑन द कंजंक्टाइवा। कंजंक्टाइवा जो आपका पार्ट है उसके ऊपर जो फोमी अपीयरेंस आते हैं, फोमी पैच अपीयरेंस होते हैं, उसे हम बाइटर स्पॉट कहेंगे, ठीक है। देन जो X2 है उसमें कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट होता है। सो इस स्टेज में वेयर द कॉर्निया बिकम्स ड्राई एंड हिजी। इस कंडीशन में कॉर्निया ड्राई होता है और हिजी होने लगता है, उसे हम X2 या कॉर्निया, इसमें वो X2 लेवल कहेंगे। और X3 में कॉर्नियल अल्सरेशन होता है। X3 लेवल में अ सीवियर स्टेजेस वेयर द कॉर्निया डेवलप्स अल्सर। एक सीवियर स्टेज होती है और उसमें कॉर्निया को अल्सर डेवलप होता है। देन SX में दोस्तों कॉर्नियल स्कार द मोस्ट सीवियर स्टेज होती है ये, वेयर द कॉर्निया बिकम्स स्कार्ड लीडिंग्स टू विजन इम्पेयरमेंट और ब्लाइंडनेस। कॉर्निया जो है उसमें स्कार होने लगता है और लीडिंग टू उसके वजह से पूरा विजन इम्पेयरमेंट होता है और उसकी वजह से ब्लाइंडनेस भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है। सो दिस स्टेजेस हेल्प असेस द सिवियरिटी ऑफ जुरोपथैल्मिया एंड गाइड द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंटेशन ऑफ पेपर। इस स्टेज के हेल्प की वजह से दोस्तों कि हम जुरोपथैल्मिया की सिवियरिटी कितनी है, कितना सीवियर हुआ है, कौन सी स्टेज पर है, हम देख सकते हैं और उसके ऊपर क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए और प्रिवेंट कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर हम अर्लीस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जुरोपथैल्मिया क्या होता है इस वीडियो में डिस्कस किया, और जुरोपथैल्मिया के अलग अलग स्टेजेस कौन से होते हैं, जैसे कि XN, X1A, X1B, X2, X3, SX, ऐसे अलग अलग से स्टेजेस है दोस्तों। इस स्टेजेस के अलग अलग सिवियरिटीज होती है। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए। थैंक यू।